हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑलवेंट सॉल्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है अमरीश चौधरी। हम 5th से लेकर 12th तक के और सभी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए क्लासेस लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ, जिसमें हम अलजेब्रा का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। और मैं बता दूँ कि 5th से लेकर 12th तक के आपको ये टीचमेंट ऐप पे मैं पढ़ाऊँगा। उसमें आपको आईडी दी रहेगी, यहाँ पे कुछ आईडी शो करेंगी, उसको पॉज करके जो भी क्लास की आईडी लेना है वो आईडी बाद में ले सकते हो आप। तो चलिए, अभी ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + bx + c = 0, जहाँ पर आपको ए और बी और सी की वैल्यू दी रहेगी। यहाँ ये इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पे 2x + 3y = 18 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी 3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 18। + = 0, 6x - 8y - 3 = 0। तो यह ए की वैल्यू हो जाएगी 6, बी की वैल्यू हो जाएगी y और सी की वैल्यू हो जाएगी -3। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, x और y आर वेरिएबल। वेरिएबल का रूल होता है इसका मैक्सिमम इंडेक्स होना चाहिए 1। जो इस इक्वेशन में मैक्सिमम इंडेक्स 1 दिया हुआ है, 1 1 है। ये देखिए, यहाँ पे भी इंडेक्स 1 है, यहाँ पे भी इंडेक्स 1 है, ये भी इक्वेशन में इंडेक्स 1 है, ये भी इक्वेशन में इंडेक्स 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन होगा। यह इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका इंडेक्स 1 होना चाहिए हमेशा, तब ये जाके 2 इक्वेशन होते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, जिसका पहला मेथड है इलिमिनेशन मेथड। सिर्फ एक एग्जांपल देखते हैं, इलिमिनेशन मेथड। इसका सॉल्यूशन है एक्स, दोनों इक्वेशन को आप नाम दे देंगे, ये x + y = 7, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये 3x - 2y = 11, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, अभी हमारे को जब भी ये इक्वेशन सॉल्व करना होता है या तो एक्स की वैल्यू सेम करना होता है या फिर वाई की वैल्यू सेम करना होता है, दो में से एक कैंसिल करवाना पड़ता है। तो यहाँ देखते हैं हम कि ऑलरेडी ये प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो सकता है, इसलिए इन पूरे इक्वेशन में हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बाय वाली टर्म सेम हो जाएगी। तो हमारा एक नया इक्वेशन बनाते हैं, 2 × x ये हो गया अपना 2x + 2 × y हो गया 2y = 2 × 7 ये हो जाता है 14। ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन। और अभी सेकंड इक्वेशन इसके नीचे रख देते हैं माइनस, यहाँ पे माइनस है आपका, ये -2y = 11, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपको इसका एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं, ये प्लस
और माइनस वाले सेम सेम है, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है दोनों का, तो ये आ जाता है आपका 3 × 2 5x इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएगा 25। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी, आपकी एक्स की वैल्यू है 25, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू आपका निकल गया, आपकी वैल्यू आ गई एक्स इक्वल टू 5, ये 5 5 जा कैंसल हो जाएगा। जब आपकी एक्स की वैल्यू निकल गई, अब आपको सिर्फ कोई भी एक इक्वेशन लेना है और वहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देना है, तो हमारा वाई की वैल्यू निकल जाएगी। हम सॉल्व करते फ्रॉम इक्वेशन 3rd, पुट करना है एक्स इक्वल टू 5, ये हम यहाँ से 3rd इक्वेशन लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 × वहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 आ गई प्लस 2y इक्वल टू 14, तो ये 2 5 10 प्लस 2y इक्वल टू 14। ये वेरिएबल वाला टर्म एक साइड करना है और ये विदाउट वेरिएबल टर्म एक साइड करना है, यहाँ प्लस 10 है तो यहाँ पे आ जाए आपका -10, तो ये 2y इक्वल टू आपका बचा 4, वाई इक्वल टू निकल जाए आपका 4/2, वाई इक्वल टू आपका 2 निकल गया। तो इस तरह से हमारा ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और प्रॉब्लम सॉल्व होते ही हमारे को एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू 2, ये हमारा इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो भी हमें इक्वेशन दिया हुआ था ये उसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपकी किताब में, जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ये आ गया आपका 2x + 3y = 11, इक्वेशन नंबर 1, 2x - y = -1, इक्वेशन नंबर 2। हमें यहाँ दो है, एक्स की टर्म सेम दिखाई दे रही है, इसलिए सभी का साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये सी हो गया सेम सेम कैंसल, ये भी प्लस हो गया 3y + (y)4y = ये 11 + 1, ये आ गया 12, y = निकल जाएगा पर 12y = 3। देन आफ्टर दैट y = 3 पुट आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हम पहले इक्वेशन में रखेंगे, तो आपका पहला इक्वेशन है यहाँ पे 2x + 3y = 1, वाई के जगह पे हमें 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 1, ये आ गया आपका 2x + 3 3 9 = 1, 2x + 1, ये प्लस का -9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 11 है, तो 11 - 9 2x = 2, देन x = 2/2 x = 1, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन निकला x = 1 एंड y = 3
आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x, क्वेश्चन नंबर 3। 4x प्लस 5y इक्वल टू 10। चलो मैं इसे एंड 5x प्लस 4y इक्वल टू 17। अभी हमें यहाँ पे देखना है ये दोनों इक्वेशन में ये दोनों सेम नहीं है और ये दोनों सेम नहीं है, और फोर के टेबल में 5 नहीं आता और 5 के टेबल में 4 नहीं आता। तो जब हमें दोनों एक्स वाले टर्म या वाई वाले टर्म दोनों में से एक किसी को भी सेम करना है, सेम करने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक बार इन दोनों इक्वेशन का एडिशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशन बोथ इक्वेशन, और दूसरे बार में हम माइनस करेंगे। तो यह एडिशन करते हैं तो यह आपका आ गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 10 एंड 5x प्लस 4y इक्वल टू 17। दोनों का एक बार ऐड करते हैं तो यह 4y 9x 9y इक्वल टू 27। अभी हम देखते हैं कि 9 से तीनों डिवाइड हो सकता है तीनों टर्म को, तो यहाँ लिखेंगे हम डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका सिंगल एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे तो वाई आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है इक्वल टू, यहाँ पे 9 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यह आपका नया इक्वेशन आएगा, इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट देते हैं। एक बार फिर से इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्शन करना है तो यहाँ हम लिखेंगे सब्सट्रैक्शन बोथ इक्वेशन। हमें यहाँ फिर से दोनों इक्वेशन लिख देना है और उनका सब्सट्रैक्शन करना है 5x प्लस 4y इक्वल टू 17। जब यहाँ हम सब्सट्रैक्शन करते हैं माइनस माइनस माइनस, एक चीज़ करेंगे कि हम यहाँ पे आगे में प्लस लेना, इसलिए 5 में से 4 गया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या गई तो सिंगल x रहेगा। फिर यहाँ पे 4 में से x गया तो यहाँ y है, माइनस y रहेगा, और 17 में से आएगा माइनस 7 आएगा, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपका 7 आएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये नया इक्वेशन को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है नए वाले, तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ये प्लस माइनस सेम कैंसल, प्लस वन ये हो गया 2x इक्वल टू 7 प्लस 3 आ जाएगा 10। तो आपका x इक्वल टू निकल जाएगा 10 बाय 2 एंड x इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई 5। अभी हम करते हैं x इक्वल टू 5 पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, हम करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, यानी एक्स की वैल्यू आपकी आ गई, एक्स की वैल्यू आपके पास में 5 है, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 3, देन वाई इक्वल टू निकलेगा आपका 5 माइनस 3 वाई इक्वल टू 2। तो ये आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल गया कि x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू
टू। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 का फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ हमारे पास में ये दो इक्वेशन है। अभी हम यहाँ ध्यान देते हैं, हमारा सिंपल रूल होता है कि 5x + 2y = -3 हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x + 5y = 4 ये आ गया हमका हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। सिंपल, हमें दो में से एक टर्म सेम करना पड़ता है, तो हम x वाले टर्म को सेम करेंगे। तो ये इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन सेकंड। तो हमारा सेकंड इक्वेशन को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 5x + 25y = 20। सभी टर्म को हम 5 से इंटू किए। हमारा फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज है 5x + 2y = -3। हम जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कैंसिल हो गया। 25 - 2 ये आ जाएगा आपका आंसर 23y। देन 20 ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस 3 ये हो गया 23। आपका y = 23/23 y = 1। ओके स्टूडेंट, फिर से हमारी वही ट्रिक। जब y = 1 निकला तो हम y = 1 पुट किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम फर्स्ट इक्वेशन आए 5x + 2y के जगह पे इनटू में 1 पुट कर रहा है = -3। यहाँ आएगा आपका 5x + 2 × 1 = -3। ये हो गया आपका 5x। नंबर एक तरफ ले जाएंगे, वेरिएबल एक तरफ है, तो ये -3, ये प्लस का 2 इधर माइनस का 2 हो जाएगा, तो 5x = -5 हो गया। देन x = -5/5, देन x = निकला आपका -1। तो इस प्रॉब्लम के इस तरह से हमारे सॉल्यूशन थे कि x = -1 निकला, देन y = 1। इसी तरह हम प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 6 प्रैक्टिस सेट 1/3x + y = 10/3 10 है, 2x + 1/4y = 11/4। स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे ना फेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि फिर ये बाकी का जो पोस्चर होता है वो आपको दिख नहीं पाता, इसलिए मैं कैमरा बंद करता हूँ और बाद में लास्ट में आपसे मैं कैमरा फिर स्टार्ट करूँगा ताकि मैं ये व्हाइट बोर्ड पर ठीक से पढ़ा सकूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है, दिखता है बड़ा लेकिन बड़ा आसान है। हमें यह ध्यान देना है कि ये 1 बाय
3x प्लस y इक्वल टू 10/3। यहाँ देखेंगे हम दोनों में 3 डिनोमीटर सेम है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से। तो यहाँ हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कैंसिल हो गया और ये इसके साथ में कैंसिल हो गया, तो नया इक्वेशन बना, यहाँ पे बचा सिर्फ x प्लस यहाँ पे बचा y इक्वल टू यहाँ पे 10। तो ये आ गया हमारा नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 1/4 इंटू वाई इक्वल टू 11/4। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई वाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, देन 2x प्लस 1/4 इंटू 4 वाई इक्वल टू 11/4 इंटू 4, बिकॉज दोनों जगह पे डिनोमिनेटर सेम है, 4 ये कैंसल हो गया, आपका नया इक्वेशन बन के आया 2x यहाँ पे प्लस y बचा यहाँ पे ऊपर में 11, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अभी हमें यहाँ पे दो नए इक्वेशन मिले हैं, इन दोनों इक्वेशन को सेम पहले जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखेंगे हम x प्लस y इक्वल टू 10, देन 2x प्लस y इक्वल टू 11, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सॉल्व करते हैं, हमें पता है दो में से या तो x की टर्म सेम होना चाहिए या तो y, यहाँ पे y की टर्म सेम है, हमें सिर्फ अपने तरफ से साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसल y y, तो ये माइनस टू में से सिंगल x गया तो यहाँ पे बचेगा माइनस x, बड़ी संख्या का साइन लग गया, और यहाँ पे बड़ा नंबर 11 है, यहाँ पे बड़ा नंबर 10 है, तो यहाँ पे बड़े नंबर 11 में से 10 गया, ये 1 बच गया। दोनों तरफ माइनस माइनस का साइन है, दोनों तरफ माइनस माइनस का साइन है, तो ये हो गया आपका कैंसल, यानी एक्स इक्वल टू निकला आपका 1, एक टर्म निकल गई हमारी। सेम वैसे ही प्रोसीजर, फिर एक्स इक्वल टू 1 हमें पुट करना है, या तो इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे या फिर इक्वेशन सेकंड में, तो हमें फर्स्ट में से पुट कर लेते हैं। हमारा पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यह एक्स की जगह पे 1 रखना है प्लस वाई इक्वल टू 10, तो हमें वाई की वैल्यू निकलना है, तो ये 10 ये प्लस 1 इधर जाके हो गया माइनस 1, तो वाई इक्वल टू निकल गया आपका 9। तो इसी तरह ये बड़ा क्वेश्चन था लेकिन बड़ा सिंपल था, हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन में उन्हें लाना था, तो हमारी निकल गई एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई इक्वल टू 9, ये थे हमारे दोनों इक्वेशन। इस प्रॉब्लम ने हमने क्या किया, सिर्फ ध्यान में देने वाली बात है, तो ये जो इक्वेशन था ये इक्वेशन हमारा लीनियर नहीं था, हमने इस इक्वेशन को ये सिर्फ लीनियर फॉर्म में लाए हैं, यही आपको सॉल्व करना था। तो इसी तरह से हेलो स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का डेमो क्लास। इसी तरह से क्लास 5th, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th, 5th और 6th का एक क्लास, 7th और 8th का एक ही क्लास, और 9th वाले 10th में पढ़ सकते हैं उनका सबका एक क्लास। ये था हमारा डिजिटल बोर्ड, इसके अलावा हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग लाइव भी आपको भी दिखूँगा डेमो क्लास। इसी तरह हम पूरे क्लास का प्रैक्टिस सेट, उसके प्रॉब्लम सेट, उसका टेस्ट सीरीज, ये सब आपको अवेलेबल होगा। अब हम जानते हैं कि आपको ये कौन से ऐप से अवेलेबल होगा और उस ऐप को आपको कैसे यूज करना है, इसका थोड़ा सा डेमो देते हैं।
तो ये है टीचमेंट ऐप, ये टीचमेंट ऐप है। टीचमेंट ऐप पे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप पे लिंक आई होगी, उस लिंक पे आपको डाउनलोड करके ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड जाने के बाद में आपके पास में ये देखिए, ऐसा आपके पास में ये एनरोल, यहाँ पे ऐसा एनरोल क्लासरूम आएगा। यहाँ पे क्या दिया है, मेरा बोर्ड है इसलिए यहाँ पे क्रिएट क्लासरूम, इसलिए आपके पास में वहाँ पे एनरोल क्लासरूम आएगा। उस एनरोल क्लासरूम को आपको यहाँ पे आपको आईडी डालना है। आप आईडी कौन से डालोगे, तो ये देखिए 10th क्लास के लिए, 6th क्लास के लिए, ये 5th क्लास के लिए। जैसे देखो 5th क्लास के लिए आपके पास में ये आईडी है, ये आईडी आप नोट कर लेंगे, ये आईडी दी हुई है क्लास 5th से। ये देखिए क्लास 5th और 6th का मैथमेटिक्स है, ये आपकी आईडी है। आप जो भी छोटे बच्चे होंगे उनको बताएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि क्लास ये आपका क्लास 7 से 8, 7th का 8 के लिए आपके आईडी, आपके पास में आईडी दी हुई है, इस आईडी का यूज करेंगे। ये है आईडी नंबर जो भी 6th और 7th का है। ये देखिए आपको मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ है, और जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, ये वाला आईडी एनरोल करेंगे, तो ये व्यू आएगा, व्यू कंटेंट में जाके आपको यहाँ पे फी आएगा, फी का सेक्शन। फी के सेक्शन जाने के बाद में यहाँ नीचे जाऊँगे आप, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, यहाँ पे नीचे जाके। इसके बाद ये आपका हो गया क्लास 6। इसी तरह से ये आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, ये देखिए ये आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, ये उसकी आईडी है। उस आईडी आप ये ऐप पे डाउनलोड करके ये आईडी एनरोलमेंट करेंगे। आपके पास में एनरोलमेंट कैसे, जैसे ये व्यू फी एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप नीचे ड्रैग करेंगे, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, या फिर आप कैश भी दे सकते हैं और उसको फिर इन्फॉर्म करना है। इसके बाद यह है एक क्लास है कंपलसरी, ये देखिए इंग्लिश, इंग्लिश का क्लास है कंपलसरी। ये इंग्लिश के क्लास में ये क्लासरूम की आईडी है, ये आईडी आपको एनरोल करना है। यह ऐसा आप जब यह एनरोलमेंट क्लासरूम का एक लोगो आएगा, वहाँ पे टच करके आईडी क्लिक करना है। ये मात्र 100 रुपये पर मंथ है। इसमें हिंदी ग्रामर, हिंदी से लेकर इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस बनाना, और जो इंग्लिश सेंटेंस में इरर होते हैं, आप जो मिस्टेक करते हो, जो एशिया कंट्री का मिस्टेक होता है, अमेरिकन बुक्स रेमंड मर्फी द्वारा लिखी गई उस बुक्स को हम यहाँ पे रीड करेंगे। वैसे उस इंग्लिश बुक का हम बता देते हैं कि आप यहाँ पे देखिए, यह आपको क्लास की समरी है, इस पर जैसे भी क्लिक करोगे ये ऐसी समरी दिखेंगी। उसके बाद आप ये लाइव लेक्चर पे क्लिक करोगे, जब उसके बाद जैसे भी आप ये लाइव लेक्चर पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो अभी लाइव लेक्चर हुआ है ये यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद आपके पास में टेस्ट का सेक्शन आएगा, जब यहाँ पे मैं क्रिएट टेस्ट करूँगा, तो ये देखिए आपको एक MCQ वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये MCQ, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट क्रिएट करूँगा तो MCQ या फिर सब्जेक्टिव, दोनों से एक आपको टेस्ट दूँगा। उसके बाद आपके पास में ये स्टूडेंट, ये देखिए मेरे स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल हो गए, जितने हुए उसको मिलेगा। उसके बाद यहाँ मुझे आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो चैट में, या आप यहाँ पे चैट लिख के। उसके बाद नोटिस बोर्ड, जो भी मेरा नोटिस रहेगा आपको नोटिस मिलेगा। यहाँ है असाइनमेंट, देखिए कि यहाँ असाइनमेंट है, मैंने यहाँ कुछ असाइनमेंट दिया था, मैं यहाँ कुछ आपको असाइनमेंट दूंगा,
ये आपको असाइनमेंट यहाँ पे आएगा। अभी आपको इम्पोर्टेंट बात होता है, ये स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल में यहाँ पे कुछ यूट्यूब के वीडियो आएंगे जो मेरे रहेंगे या किसी के रहेंगे, मैं आपको याद दे सकता हूँ। इमेज रहेगा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा इंग्लिश का फ़ायदा है कि आप ये देखिए, ये इमेज वाले सेक्शन में क्लिक करते ही, इमेज वाले सेक्शन में क्लिक करते ही आपको ये इमेज में आएगी यहाँ पे। ये इमेज कितनी इम्पोर्टेंट, देखो कौन से कॉकरोच के जैसे ये नाम है और वो कैसे दिखते हैं, उनके नाम क्या है, ये आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके बाद फ्लावर का एक और डेमो देते हैं कि देखो 15 फ्लावर के नाम है, उस फ्लावर का डायग्राम चित्र इमेज दिखा के आपको उसके नाम दिए जाएंगे। और ये इसके बाद ये हमारी ऐसी टेस्ट रहेगी जो हम पढ़ाएंगे, उसके ऊपर में ये टेस्ट आपको दिए रहेंगे, या आपको घर में प्रैक्टिस करना है या फिर ये टेस्ट देके यहाँ पे सबमिट भी करना है। तो इसी तरह से ये हमारा क्लास चलेगा। तो आप छोटे हो बड़े हो, कोई भी क्लास हो, अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो प्लीज़ अपने आसपास के किसी भी लोगों को बहुत से छोटे से कीमत में 5th से 6th लिए, 5th के 6th वालों के लिए मात्र 100 रुपीज़, इंग्लिश के लिए 100 रुपीज़, और 10th वालों के लिए 200 रुपीज़, 10th क्लास वालों के लिए 200 रुपीज़ पर मंथ है। और आप 11th यानी 12th के भी क्लास आएंगे उनको 400 या फिर या 500 रुपीज़ पर मंथ रहेगा, सब्जेक्ट देख के रहेंगे। तो उनकी भी आईडी ऐसी प्रोवाइड होंगी, मेरे साथ में कांटेक्ट में बने रहिए, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये सेव करके रखिए और इससे आप मुझे कांटेक्ट करके पूरे क्लास की जानकारी ले सकते हैं। या 8876969827 ये वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने आजू बाजू रिलेशन जो भी है उसको 1 महीने का डेमो क्लास भी लिख के दे सकते हैं, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी का मिलते हैं क्लास में।